लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। जया बच्चन ने यूपी से राज्यसभा के लिए 2 अप्रैल को खाली हो रही 10 सीटों में से एक सीट के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। दरअसल मौजूदा राज्यसभा सांसद जया बच्चन का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। यह चौथा मौका है जब जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। बच्चन दंपति देश के अमीर लोगों की सूची में शुमार है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन पर करोड़ों का कर्जा है। जया के शपथ पत्र के मुताबिक उनके और अमिताभ बच्चन के पास कुल 10.01 अरब से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। जया के पास 26.10 करोड़ और अमिताभ के पास 36.31 करोड़ की जेवरात है। इसी तरह जया के पास 67,79,31,546 रुपए की और अमिताभ के पास 4,71,04,35,020 रुपए की चल संपत्ति का जिक्र किया गया है। शपथ पत्र में जया के नाम 1.23 अरब की और अमिताभ के पास 3.32 अरब रुपए की अचल संपत्ति का उल्लेख है। इनमें लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल, नोएडा, अहमदाबाद, पुणे, गांधीनगर, जुहू की जमीनों का जिक्र है। दोनों के ऊपर बड़ी देनदारी भी है, जहां जया के ऊपर 87,34,62,085 रुपए की और अमिताभ के ऊपर 18,28,20,951 रुपए क्रेडिट है, यानी कि दंपति पर कुल 100 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है।